हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो के 14वें टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, पीएम आवास योजना ग्रामीण किस तिथि से प्रारंभ है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2016, ऑप्शन बी 1 मई 2016, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2016 और ऑप्शन डी 30 मई 2015। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2016। क्वेश्चन नंबर दो है, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने रुपए तक का ऋण एक पात्र व्यक्ति ले सकता है? ऑप्शन ए 50,000 रुपये, ऑप्शन बी 75,000 रुपये, ऑप्शन सी 70,000 रुपये और ऑप्शन डी 90,000 रुपये। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 70,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर तीन है, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सामान्य क्षेत्र के लिए 1,20,000 रुपये निर्धारित है, वहीं मैदानी या पहाड़ी क्षेत्र के लिए कितना रुपये निर्धारित है? ऑप्शन ए 1,27,000 रुपये, ऑप्शन बी 1,35,000 रुपये, ऑप्शन सी 1,30,000 रुपये और ऑप्शन डी 1,90,000 रुपये। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 1,30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर चार है, पीएम आवास योजना ग्रामीण के प्रथम चरण यानी 2016 से 19 में परफॉर्मेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। क्वेश्चन नंबर पाँच है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2013, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 2013, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2013 और ऑप्शन डी 12 नवंबर 2013। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2013। क्वेश्चन नंबर छः है, जीवन बीमा निगम यानी LIC के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन बी विजय चतुर्वेदी, ऑप्शन सी RR कल्याणी और ऑप्शन डी PC भट्ट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ मोहंती। क्वेश्चन नंबर सात है, LIC को कब स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए 1 सितंबर 1956, ऑप्शन बी 31 मार्च 1956, ऑप्शन सी 1 सितंबर 1957 और ऑप्शन डी 30 मार्च 1957। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 1 सितंबर 1956। क्वेश्चन नंबर आठ है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना के तहत केंद्र एवं राज्य 100-100 रुपए की प्रीमियम बीमा राशि किसे पात्र व्यक्ति के लिए देगी? ऑप्शन ए LIC को, ऑप्शन बी IDBI को, ऑप्शन सी SBI को और ऑप्शन डी CBI को। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए LIC को। क्वेश्चन नंबर नौ है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के बच्चों को कौन सी संस्था हर माह छात्रवृत्ति देती है? ऑप्शन ए LIC, ऑप्शन बी IDBI, ऑप्शन सी SBI और ऑप्शन डी CBI। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए LIC। क्वेश्चन नंबर 10 है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना के तहत कितने एकड़ पात्र भूमि धारक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 2.5 एकड़ से कम, ऑप्शन बी 5 एकड़ से कम, ऑप्शन सी 10 एकड़ से कम और ऑप्शन डी 20 एकड़ से कम। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 2.5 एकड़ से कम।